हम लोग कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी और माले हमारा लाइन से और ये जो चुनाव है निश्चित तौर पर हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे सामने कोई जो प्रतिद्वंद्वी नहीं है और जो बोरो खिलाड़ी है, बोरो प्लेयर है, जनता ने देखा है कि इस राज्य को कोई संभाल सकता है तो वो महागठबंधन की सरकार, हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी संभाल सकते हैं। हेमंत जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पर झारखंड का विकास हुआ है, झारखंड का उदय हुआ है, झारखंड के लोगों का विकास हुआ है, झारखंड के माताओं बहनों का सम्मान हुआ है, जो जिसका परिणाम में आप देख सकते हैं लाखों की भीड़ हमारे आवास में अभी है। मैंने नहीं बुलाया उनको, स्वेच्छा से लोग आए हैं, तो निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि जनता का अपार जन समर्थन इरफान अंसारी के प्रति है। मैंने जिंदगी भर लोगों की सेवा किया है और ये चुनाव मेरे लिए महज एक औपचारिक है। मैं वैसे लोगों से कहूँगा, देखिए जामताड़ की जनता जो है माँ चंचला का यह विशाल भव्य मंदिर भी है और माँ चंचला देखती भी है कि असली कौन है, नकली कौन है, फर्जी कौन है, बाहरी कौन है, तो उनको आशीर्वाद मिलेगा। मैंने विगत 10 वर्षों से मैंने जामताड़ा का काम किया है, ईमानदारी से काम किया है, जनता का विश्वास जीता है और चंद्रमुखी विकास जो यहाँ के लोगों ने सोचा नहीं था वो मैंने करके दिखाया है। आज इरफान अंसारी को केवल और केवल डाउन करने के लिए ऐसे ऐसे प्रत्याशी दिया जा रहा है जो जनता पचा नहीं पाती, हम लोग भी नहीं पचा पा रहे। एक बाहरी प्रत्याशी, एक बोरो प्रत्याशी हमारे मैदान में, निश्चित तौर पर मैं कहूँगा आप सबको कि जो हमारे भाजपा के जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनसे मैं कहूँगा कि बेहतर ये होगा कि आप जामताड़ा छोड़ दीजिए, नामांकन अपना आप तो डाले नहीं है, आप मैदान छोड़ दीजिए। आज आप देखिएगा कि पूर्व में मैंने जिनको हराया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो भाजपा के प्रत्याशी थे, उसके साथ जो हम उनके साथ लड़े थे वो लोग भी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनका भी अपना जनाधार है, उनका भी अपना मास है। पूर्व के जो प्रत्याशी हैं ऑब्वियस है कि वो 70,000 वोट लाए थे मेरे खिलाफ में, तो वो वोट है उनके कास्ट का वोट भी था उसमें, तो भाजपा जो है उनके कास्ट को भी कुचल देती है, कास्ट का भी सम्मान नहीं करती है, कास्ट का भी आदर नहीं करती है। तो फिर से मैं कहूँगा, देखिए बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए, इनको जो रिजेक्टेड माल है जो सातिर से जीत जाता है उसको हाईजेक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूँ उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मज़ा आता था, यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ, जहाँ जा रहे अपार जन समर्थन, अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा लेकिन जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा, ट्राइबल और एग्जिट हो गया मेरे साथ, मैं 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है उनके हर दुखों में, आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हो लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया, झारखंड के आदिवासी करो अपमानित करने का काम किया है। करो स्थिति है गुरु जी के परिवार को जिस तरह से उन्होंने ठेंगा दिखाया, जिस तरह से अपमानित किया, जलील किया, उस परिवार को जनता माफ नहीं करेगी। शिबू सोरेन हमारे अभिभावक है, उनके कारण राज्य लिया गया, वो जो कैंडिडेट है नाम नहीं लूँगा मैं, वो जब उस परिवार की नहीं हुई तो हमारी जनता की क्या होगी। और हमें लगता है कि बीजेपी के जो लोग गए हैं अभी भाजपा में, वो देख लीजिएगा चुनाव के बाद सारे लोग अपने अपने घर में लौटने का काम करेंगे। मैं तो कहूँगा कि भाजपा के जितने बोरो खिलाड़ी हैं यहाँ उनका दाल नहीं जलने वाला है, झारखंड में उनका दाल नहीं जलेगा, यहाँ जनता ने मन बना लिया है। भाजपा जो जिस तरह से कूटनीति चलती है वो फेल हो गई है,